हेलो स्टूडेंट्स, देखिए नेट एसेट मेथड से वैल्यू ऑफ शेयर निकालने का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि प्रेफरेंस शेयर्स भी उसमें हैं शामिल तो किस प्रकार नेट एसेट मेथड से अंश का मूल्य ज्ञात किया जाता है। ययाति प्राइवेट लिमिटेड 31 मार्च 2019 को निम्नलिखित शेष हैं 20,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स और ₹10 फुल्ली पेडअप हैं 2 लाख के, 80,000 इक्विटी शेयर्स और ₹10 फुल्ली पेडअप है 8 लाख के, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, डिबेंचर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्रेडिटर्स, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन, ये दोनों क्या कहलाते हैं? पढ़ते समय ध्यान कर लीजिए कि अंडरराइटिंग कमीशन एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स ये क्या हैं? ये वो फिक्सटीशियस एसेट्स हैं, कृत्रिम संपत्तियाँ। अब ये कह रहे हैं पूर्वाधिकार अंशों पर 2 वर्षों का लाभांश बकाया है और अब स्थायी संपत्तियों का वसूली मूल्य 10,50,000 रुपये है और चल संपत्तियों का 1,50,000 रुपये। इक्विटी अंश और पूर्वाधिकार अंशों का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं और इक्विटी शेयर्स भी हैं, तो अलग अलग ज्ञात करना है। और इसीलिए ये क्वेश्चन कराया जा रहा है कि अगर पूर्वाधिकार अंश भी हो तो किस प्रकार पूर्वाधिकार और इक्विटी अंशों का मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो इसमें ये कह रहा है दोनों का अंश का मूल्य ज्ञात करना है कि यदि पूर्वाधिकार अंशों को पूंजी और लाभांश दोनों में पूर्वाधिकार हो, यदि पूर्वाधिकार अंशों को मात्र पूंजी वापसी में पूर्वाधिकार हो, पूर्वाधिकार अंशों को मात्र लाभांश प्राप्त करने में पूर्वाधिकार हो, और पूर्वाधिकार अंशों को न तो पूंजी के संबंध में और न ही लाभांश के संबंध में पूर्वाधिकार हो। अगर ये विभिन्न परिस्थितियां हैं तो इन विभिन्न परिस्थितियों में पूर्वाधिकार अंश का मूल्य और इक्विटी अंश का मूल्य कितना कितना होगा ये ज्ञात करना है। ये चलो सर बाद में ज्ञात होगा, सबसे पहले तो हमें नेट एसेट निकालें इसकी। इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ नेट एसेट कैलकुलेट करेंगे। नेट एसेट के लिए फिक्स एसेट्स ये कह रहा है वसूली मूल्य 10,50,000 रुपये है, करंट एसेट्स का वसूली मूल्य 1,50,000 रुपये, तो फिक्स की जगह 10,50 और इसका रियलाइजेबल वैल्यू 1,50। तो देखिए इसमें 10,50 और ये 1,50,000 रुपये, फिर इन दोनों को और कुछ है ही नहीं, ये दोनों तो कृत्रिम संपत्तियाँ, इनको तो हम लेते ही नहीं हैं, इनको तो लेते ही नहीं हैं ये दोनों। आप इसमें से घटा दीजिए, एक तो डिबेंचर्स प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि स्थायी संपत्तियों का जब वसूली मूल्य दे दिया जाता है तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट हो चुका है, तो डिबेंचर्स और क्रेडिटर्स भी दोनों चीज़ें लेस हो जाएंगी और ये हो जाएंगे 10,00,000 रुपये। ये आ गया, ये जो 10 लाख आए हैं ये आया है नेट एसेट। अब नेट एसेट में दोनों तरह के अंश हैं, पूर्वाधिकार अंश भी हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं और इक्विटी शेयर्स भी हैं, तो फिर कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर एक देखिए, पूर्वाधिकार अंशों को पूंजी और लाभांश दोनों में के संबंध में पूर्वाधिकार, अगर पूंजी और लाभांश दोनों में पूर्वाधिकार होगा, दोनों में पूर्वाधिकार होगा, तो देखिए कि प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रेफरेंशियल एज टू कैपिटल एंड डिविडेंड, दोनों में उनको पूर्वाधिकार है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकालेंगे? नेट एसेट टोटल में से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस एरियर ऑफ डिविडेंड दोनों को घटा देंगे। क्यों? क्योंकि पहले उनको मिलेगा पूर्वाधिकार, नाम यही है पूर्वाधिकार, प्रेफरेंशियल शेयर्स का मीनिंग यही होता है ना कि इक्विटी शेयर से पहले लेने का अधिकार होता है। लेकिन फिर भी अपन तो इनकी परिस्थितियों के आधार पर जो ये मूल्य ज्ञात करना चाह रहा है उस हिसाब से कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी होगी? नेट एसेट जो आया है ये 10,00,000 रुपये, इसमें से पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और एरिया दोनों घटाओ और बाद में जो बचता है उसमें इक्विटी अंशों का भाग लगा दो। क्यों? क्योंकि प्रश्न पहली परिस्थिति में कहा है कि पूर्वाधिकार अंशों को पूंजी एवं लाभांश दोनों के संबंध में पूर्वाधिकार है, पूंजी भी पहले मिलेगी और लाभांश भी पहले, तो पूंजी और लाभांश दोनों ही घटा दो। तो देखिए 10,00,000 में से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की पूंजी कितनी है? 2,00,000 रुपये, और लाभांश कितना बनता है? 2,10,000, 2,10,000 कितना होता है? 20,000, 20,000 रुपये तो 1 साल का होता है, लेकिन कितने वर्षों का बकाया है? 2 वर्षों का, तो कितने हो गए? 40,000। तो इस 10,00,000 में से 2,00,000 प्लस 40,000 एरियर है, इन दोनों को घटा दो और बाकी जितनी भी अमाउंट आती है उसमें अंशों की संख्या का भाग लगा दो, इक्विटी अंशों की संख्या का, इक्विटी अंश 80,000 है तो 80,000 का भाग लगा दें, एक अंश का मूल्य आ जाएगा। और प्रेफरेंस शेयर का मूल्य याद करना है तो प्रेफरेंस शेयर में क्या मिला दोनों मिला के? 2,40,000 रुपये, 2,40,000 में 20,000 अंश हैं प्रेफरेंस शेयर, 20,000 का भाग लगा दो तो 12 रुपये। तो ये प्रेफरेंस शेयर का इंटरनल वैल्यू आ गया 12 रुपये, इसका आ गया 9,50 रुपये, इस तरह। इसी तरह बी में कि पूर्वाधिकार अंशों को मात्र पूंजी वापसी में पूर्वाधिकार है, मतलब लाभों में पूर्वाधिकार नहीं है, लाभ तो तब मिलेंगे जब इक्विटी अंशों को मिलेंगे तब उनको भी मिल जाएंगे।
केवल पूंजी में पूर्वाधिकार है तो केवल पूंजी घटा दो, नेट एसेट्स में से केवल 2 लाख रुपए घटाओ और जो बचा है उसमें 80,000 अंशों का भाग लगा दो तो 1 अंश का मूल्य आ जाएगा। वैल्यू पर प्रिफरेंस शेयर वही 2 लाख में 20,000, क्योंकि 2 ही लाख रुपए है प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, 20,000 का भाग लगाया 10 रुपए। इस कंडीशन में दोनों की रेट बराबर होगी। फिर ये कह रहे हैं पूर्वाधिकार अंशों को मात्र लाभांश प्राप्ति के संबंध में पूर्वाधिकार है, केवल लाभांश में पूर्वाधिकार है, तो केवल लाभांश में पूर्वाधिकार है तो 10 लाख में से केवल लाभांश घटाओ। लेकिन लाभांश में पूर्वाधिकार है तो लाभांश घटाने के बाद तो इक्विटी जो कैपिटल बचेगी एक तरीके से नेट एसेट बचेगी वो दोनों ही लेंगे ना, तो नीचे इक्विटी शेयर इतने हैं प्रेफरेंस इतने हैं, दोनों 1 लाख का भाग 9 रुपये 60 पैसे आ गया, 9 रुपये 60 पैसे आ गया इक्विटी का मूल्य, और 9 रुपये 60 पैसे में 40,000 रुपये जो उसको प्रेफरेंस शेयर को पूर्वाधिकार है केवल लाभ में, तो 40,000 रुपये में 20,000 अंशों का भाग लगाया तो 1 अंश पर कितना रुपये हो गया 2 रुपये, तो 9 रुपये 60 पैसे में 2 रुपये जोड़ देंगे 11 रुपये 60 पैसे। इस तरह आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसमें अपने नेट एसेट मेथड में मैंने आपको हर तरीके का क्वेश्चन एक एक करवा दिया है, और अब आएगा नेक्स्ट क्लास में यील्ड मेथड, यील्ड मेथड से किस प्रकार हम अंश के बाजार मूल्य की, कंपनी के अंश के बाजार मूल्य की गणना करेंगे वो नेक्स्ट में आएगा। थैंक यू।